संजीव का सवाल ये है कि जोमेटो के शेयर इनके पास 550 180 की प्राइस मिली हैं, अब ये जानना चाहते हैं इसको होल्ड करें या बेच दें। हालांकि ये सोच रहे हैं कि इसको बेच के JSW एनर्जी या अशोक लीलैंड में पोजीशन ले लें। तो पहला सवाल तो ये, क्या जोमेटो बेचें ना बेचें, और अगर बेच दें तो क्या अशोक लीलैंड और JSW एनर्जी ठीक रहेगा लेना? देखिए, जो इनको लेना है वो भी काफी ओवरबॉट है और ये भी काफी ओवरबॉट है, तो बात यही है कि एक जगह से एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में स्विच करना चाहते हैं, बट दोनों ओवरबॉट है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब आप इस तरह का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि स्विच, जब भी आप स्विच करने की कोशिश करते हैं तो आप ओवरबॉट से बेच के ओवरसोल्ड टेरिटरी के स्टॉक्स लेना चाहते हैं। तो जो कि हमने लास्ट शोज में डिस्कस भी किया कि भाई आईटी ओवरसोल्ड है एज अ पैक और वो कहीं चल रहा है, लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये बात नहीं सामने आ रही कि भाई आईटी ने भी बहुत मदद की है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड रिलायंस निफ्टी को ऊपर लाने में, आईटी का भी बहुत हाथ है, टीसीएस इन्फी सब नीचे से काफी ऊपर पुल अप करके आए हैं, तो वो भी अपना मशक्कत कर रहा है। तो अगर स्विच करना है तो मुझे लगता है कि आईटी में ढूंढना चाहिए, एफएमसीजी में ढूंढना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिस में ढूंढिए, मार्केट ओवरबॉट है तो वहां ढूंढिए। फिलहाल मेरी राय इनको ये रहेगी जोमेटो में कि भाई काफी दिन के बाद चला है और आईपीओ के बाद का जो हाई रखा था तकरीबन आई थिंक अराउंड 170 के आसपास, वो आईपीओ के 4-5 दिन का जो ट्रेडिंग का हाई था वो 170 के आसपास था, तो आई थिंक उसके ऊपर जब तक टिका है और बिल्कुल नया स्टॉक है तो इसमें कुछ आगे की रुझान पीछे से तो कुछ दिख नहीं रहे, ना ही कोई उतना डेटा है, बट जस्ट ऑन प्योर लॉजिक कॉमन सेंस आप इसको रखना चाहिए। 170-180 के जो ब्रेकआउट हुए हैं उनका मायने है, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट इसको हम बोलेंगे, तो स्विच करने से बेटर है कि होल्ड रखें, ओवरबॉट स्टॉक है उसी को होल्ड रखें, कॉस्ट के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चले। ठीक।